वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल माय अंबेडकर नगर। दोस्तों बड़े दिनों के बाद हम लोग वीडियो बना रहे हैं और यहाँ है महादेव घाट। आप देख सकते हैं हमारे इस तरफ दोस्त हैं और दोस्तों भी देख सकते हैं हमारे, और इस तरफ देख सकते हैं आप नदी को। और चलते हैं चालू कर इस तरफ। और ये हमारे ड्राइवर भैया हैं, भैया कैमरे में हाई कर दीजिए। और उधर सौ लोग बचे हुए हैं अभी, ये देख सकते हैं मैं पहना नहीं हूँ इसको। हमारे भैया पहनाएंगे, भैया इसको भैया पहनाएंगे। कैसे पहना जाता है ऐसे सही है? ऐसे मुझे लगता सही नहीं है, तो भैया पहनाएंगे अभी जा रहे हैं। तो चलते हैं आपके दोस्तों उस तरफ से पैर कराते हैं चारों ओर। हमारे साथ आप लोग वीडियो बने रहिएगा तो दोस्तों मैं पहनने जा रहा हूँ, देख सकते हैं आप कैसे पहनता हूँ। और यहाँ मैं पहन लिया हूँ और ये अभी देख सकते हैं आप लोग कैसे पहनते हैं मुझे। यहाँ मैं पहन लिया हूँ, देख सकते हैं। हाँ दोस्तों तो अब चलते हैं। हेलो गाइस, ऑलरेडी मैं पहन के रखा हूँ, मुझे आ रहा था पहनने से नहीं पहन पा रहे थे। यहाँ श्याम भाई बैठे हैं, यहाँ आकाश भाई हाय कर दीजिए, यहाँ रजनीश भाई वहाँ भैया हाय बोल दीजिएगा, और हमारे यहाँ राहुल भाई और आकाश भाई हाय। और यहाँ देख सकते हैं यहाँ मतलब काफ़ी दूर पहुँचा है, ये धारा में पहुँच गया है। हम लोग पहुँचेंगे कुछ लोग पहुँचेंगे उस तरफ से। हम लोग घाट है पूरे अम्बेडकर नगर में, बहुत ही प्रसिद्ध महादेवा घाट, जहाँ दूर दूर से को लाया जाता है और जलाया जाता है। लोग जलाते हैं, चलो उस तरफ पहुँचने वाले हैं, उस तरफ पहुँचने वाले हैं। और इस तरफ देख सकते हैं पानी पूरा मतलब इतना पानी होने के कारण से वो कम गया है। और उतरना है किसी को? हाँ चलेंगे थोड़ा सा। उस तरफ चलना है? हाँ। कितना टाइम भैया लगेगा? भैया आपका नाम क्या है? भैया नाम पूछ लिया, भैया क्या नाम है आपका? हमारा सचिन माझी नाम, सचिन माझी नाम है भैया का। और आइएगा जरूर और भैया के बोट से जरूर घूमिएगा। अरे आप लोग अम्बेडकर नगर है और महादेवा घाट पर आते हैं तो चलते हैं उस तरफ। श्री भैया इस तरफ, और श्याम भाई हमारे कैमरा सही मन से नहीं बना रहे, उनका मन भाई उतर रहे हैं। और इस तरफ देख सकते हैं दोस्तों, जैसा कि आप इस तरफ देख सकते हैं और यहाँ से उस तरफ का दृश्य देख सकते हैं एकदम बहुत दूर, करीबन दोस्तों मान के चलिए लगभग 1.5 किलोमीटर से दूरी कम नहीं होगा। भैया कितनी दूरी होगी? लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी है। अब चलते इस तरफ का थोड़ा बाहर का दृश्य दिखा दे, इसके बाद चलते थोड़ा जल्दबाजी में है। और देख सकते हैं इधर एकदम पूरा सरपथ ही सरपथ है। और इस क्या कहते हैं यार इसको? तरबूज बोया जाता है क्या? अभी ना अच्छा उस तरफ बोया जाता है, अभी गेहूं बोया, इस तरफ गेहूं बोया जाता है। ये देखो रजनीश भाई हैं, खेती करते हैं लोग, टिल्लू कर रहे हैं इस तरफ, बहुत अच्छी खेती बनाते हैं थोड़ा। अच्छा गेहूं या डीबी तो भैया आप लगभग कितना, जैसे कितना आप लोग, आपको यात्री मिल जाते होंगे?
यहाँ का रास्ते का कोई पता नहीं, रोज लगभग 150 लोग टर्नओवर करते हैं टहलने घूमने। अच्छा, 150 टर्नओवर करते हैं लगभग। आपकी इनकम जैसे वगैरह कैसे हो जाती होगी? कोई लिमिट नहीं है इसका, 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। अच्छा अच्छा, इसका कोई टैक्स वगैरह देना पड़ता है आपको? नहीं नहीं, टैक्स कैसे? कोई टैक्स नहीं, कोई मतलब कि आप लेकर आया इसमें, जैसे हम देखे हैं कि अल्फा का नंबर लगाते हैं गाड़ी का नंबर, क्या इसमें नंबर लगता है कि जैसे सवारी यहाँ बैठ के चले गए ऐसा होता है? ऐसा होता है, बोहनी पे है नंबर लगता है, उसके बाद जिस पे बैठ जाएंगे उसको लेकर। अच्छा, बोहनी से पहले नंबर लगता है, इसके बाद नंबर खत्म नहीं लगता है। अच्छा अच्छा, आप यहीं रहने वाले हैं? हाँ, हम मुबारकपुर टांडा रहने वाले हैं। अच्छा, मुबारकपुर टांडा रहने वाले हैं। तो यहाँ का जो जैसे पर यात्री कितना पैसा लेते थे आप? पर आदमी का 30 रुपया लेते हैं, इस बगल से उस बगल ले जाने। अच्छा, इस बगल से उस बगल ले जाने का आप 30 रुपया लेते हैं, लेकिन हम लोगों को आपने 25 रुपया लिया, इसके लिए भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो हमारे राहुल भाई के पास 10 रुपया पैसा है। खैर कोई बात नहीं, देखा मैंने जिसका भी किया जाए। देखिए भैया की नाव, अगर दोस्तों अगर आप टांडा आ रहे हैं, टांडा दोस्तों बसखारी 17 किलोमीटर दूरी पे है, और बसखारी 17 किलोमीटर दूरी पे है, और अकबरपुर की तरफ से आते हैं 20 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आप आते तो महादेवा घाट पे जरूर आइएगा, और इन भैया के क्या नाम भैया कहते हैं आप? शशि माझी भैया के बोर्ड से जरूर घूमिएगा। और हमारे अगर यूट्यूब के जरिए आप आते हैं तो आपको 30 रुपये का स्थान पे 25 रुपया देना पड़ेगा। जिसको आना हो कमेंट में जरूर लिख दे, कमेंट में वीडियो कमेंट में मतलब कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, कैसा लग रहा है। वापसी होते हैं नाव से, तो हमारे रजनीश भाई चलते हैं, पहले चढ़ते हैं। चलिए तो चलिए, आराम आराम से चलिएगा। और ये दोस्तों हम चल रहे हैं, अरे हमारे मोटू भाई जा रहे हैं, और काफी मजा आ गया दोस्तों नाव में घूमने से। आप लोग भी आइएगा, पिकनिक को घुमाओ जाएगा भैया। चल जिनका भैया सब आवत है, आनंद जरूर लीजिएगा, फुल आनंद दोस्तों, मजा आ गया एकदम घूमने से। पीछे उठाओ थोड़ा, पीछे रोशनी से। हाँ बस बस, ऐसे ले धूपवा सी लागत मान, जो धूप चमकिया पूरा पनिया गिरे तो ऐसे लागत बा। राहुल भाई, बैल आदमी होगा भैया।